आपको राशन के राशन से वोट नहीं देंगे, आप विकास पे वोट देंगे। इस बार वोट विकास के नाम पे, विकास के नाम पे विकास हो गया, लेकिन अखिलेश भैया बोले विकास हुआ ही नहीं। अरे तो केहू अब सोचा था हमें सत्ता मारे थे, केहू सत्ता छीने चाह रहे थे, हमें आने थे वो भी। जब से हमारा देश आजाद है तब से उन्हीं की सरकार चल रही है। राहुल पहले को जाने की अरे बहुत विकास किए थे, विकास किए थे मतलब कांग्रेस में विकास किया था, बहुत विकास किए थे, इसीलिए हम लोग पीछे थे ना। अच्छा मतलब बहुत विकास किए थे पीछे थे, कहने का मतलब विकास नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। योगी जी विकास कर रहे हैं, सब भी योगी जी ही आएंगे, वही आ जाएंगे, विकास कर रहे हैं। कड़ू तेल रिफाइंड महंगा हो गया, कितना महंगा हो गया, पहले कितना मिलता था? अरे पहले तो 40 रुपया मिला था, अरे तो पहले छोटा तेल 20 रुपया मिला था, लाभ मिला था 40। हम ये कह रहे हैं मान लीजिए पैदावार नहीं होगा, जब बाहर से आएगा तो महंगा होगा ही होगा, लेकिन इनका आधा तो कड़ू का तेल महंगा हो गया। ये बताओ फ्री राशन तो मिला था, मिला था राशन कहाँ मिला था? कौन सरकार दे रही है पहले, करे पहले कौन सरकार दे रही है, कौन सरकार दे रही है, इधर आइए, इसके पहले कोई सरकार दे रही बताइए। जैसे अभी आप उनके सामने ये हमारे मुस्लिम भाई थे, वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, अखिलेश जी के टाइम में अच्छा विकास हुआ, क्या कहेंगे? हमारे देखने में सोच में क्या है, हमारे सोच में तो यही है, हम कमाते हैं खाते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। मेन जरिया हमारे रोड है, रोड हम लोग बन गया है, हम लोग रोड सही हो गया, मतलब वोट पड़ सकता है, सर किसकी सरकार बन जाएगी? हमारी तो योगी ही सरकार, योगी ही सरकार बन जाएगी। वोट का नाम नहीं है? नहीं नहीं सर, इस बार पड़ा है, नाम पड़ा है, क्या नाम है? सद्दाम। सद्दाम सद्दाम, तो इस बार अगर नाम तो पड़ा है तो वोट किसको होगा, किस मुद्दे पे वोट का कोई मुद्दा है? अरे घर वाले जाने ना, घर वाले तो बताएंगे, आप कितना बताइए? अरे मोदी जी को देंगे, किसको? मोदी जी को वोट करेंगे, विकास किए हैं मोदी जी, क्या किया विकास? अरे रोड बनवाए हैं, जो हमारे गांव में शौचालय उचालय है, वो क्या घर और मकान शौचालय रोड घर मिला है आपको? हाँ राशन हमको जो है 3 किलो मिलता है, 15 किलो जी, 15 किलो राशन, ये तो योगी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, क्या ये वोट का मुद्दा नहीं हो सकता? ये वोट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम उस राशन से लेकर क्या करेंगे जब हमारे रहने का घर नहीं रहेगा, एक झोपड़ी है हमारे पास, कल तूफान आए उड़िया दे तो हम राशन क्या करेंगे खाकर? मतलब राशन जरूरी नहीं, पहले छप्पर की जरूरत है हमें, पहले छप्पर जी। हाँ सरकार में लड़कियों को ज्यादा, हाँ ज्यादा ही व्यवस्था मिल रही है, नहीं मतलब क्या थी समाजवादी पार्टी, मतलब पहले जो भी था ना वो उनका अलग ही, वो सब अलग ही हिसाब था, बाकी आज के दौर में जो जितना सुरक्षित हर चीज मैं देख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल अलग ही दिख रहा हूँ, लड़कियाँ सुरक्षित है, हाँ सुरक्षित है मैडम, इसमें कोई शक नहीं, नहीं कोई शक नहीं, अगर अखिलेश भैया है तो उसमें सुरक्षित नहीं होता? नहीं नहीं सुरक्षित मतलब हो सकती है, लेकिन अब उनका ऐसा सोच होना चाहिए, लेकिन अब अपना अपना, लेकिन प्रियंका जी कहती है हम ही है तभी सुरक्षित होते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं, योगी जी अब तक सुरक्षा है, ऐसा भी नहीं है, सुरक्षा तो मतलब कम में होना चाहिए, लेकिन आज के दौर में हमें जो चीज मिल रहा है ना वो बहुत ही बेहतर है। अच्छा किस सरकार में ये जैसे आप कह रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित है, आपको क्या लगता है
पर वो पड़ेगा, जो अच्छा रहेगा उसी को दिया जाएगा, अभी कोई फैसला नहीं है। इसके पहले जिसको वोट दिए थे वो अच्छा काम किया था, कुछ तो अच्छा किया था, महंगाई नहीं नहीं था इतना। क्या नाम है आपका? शिरगोपाल। शिरगोपाल कौन सी जगह? बरगदही। बरगदही। तो आपने इसके पहले किसको वोट किया था? आप हम मुलायम सिंह को दिया था। मुलायम सिंह को दिया, लेकिन सरकार तो कमल की फूल की बन गई। बन गई तो क्या किया जाए, जो जिसके भाग में जो हुआ था वो हो गया। तो इस बार किस पर, इस बार साइकिल को वोट पड़ेगा? अब तो जाता जाएगा, जाता जाएगा, हाँ अभी जाता जाएगा, कौन है कौन कितना पानी में है, इसके बाद जांच के तब वोट डाला जाएगा। हाँ तब वोट डाला जाएगा, ताकि कुछ विकास हो जाए, विकास हो जाए, महंगी न रहे। महंगी कर दी है क्या? किसकी सरकार बना रहे हैं? तो बीजेपी वाले है ही है भाई, बीजेपी वाले हैं ये तो आप जानते हैं ना, हम तो नहीं जानते ना कौन सी पार्टी जीते, लेकिन विकास किस सरकार का बहुत अच्छा हुआ, बीजेपी में बढ़िया बहुत अमन बात कहना है हमारा, एकदम आप बताइए। देखिए हम लोग गरीब मजदूर आदमी है, लेकिन हम लोग का बात ऊपर तक नहीं जाता है। क्या बात है बताइए? बात ये हम लोग का लेबर मजदूर का किसी का आज तक दिहाड़ी नहीं बढ़ा। मतलब कितना दिहाड़ी आप क्या चाहते हैं? हम लोग को यहाँ मार्केट में 300-400 रुपये लोग दिया जा रहा है। कोई ऐसा बनाया जाए कि रूल उसको कि आदमी जो कमा खा ले, 700-600 चल रहा है बाहर में, यहाँ 300-400 गोरखपुर में चल रहा है। अच्छा, मतलब लोगों को उम्मीदें भी है, खुश भी है, जातिगत वोट भी नहीं है हमारे साथ, हर तबके के लोग यहाँ से किसी, ये हमारे साथ लेबर वाइज है और इनका कहना है कि इनकी मजदूरी भी बढ़ाई जाए। कौन सा गांव है ये, कौन सी जगह? बरगदही। तो ये बताइए इस बार वोट पड़ेगा किसको पड़ेगा? अरे पड़ेगा, अरे के छोड़ा जाए हम जान जाए, तो जब जाना जाए तो हमने अब नाम गांव नाम जाए साइकिल साइकिल को कि कमल के फूल को कि हाथी को किसको वोट पड़ेगा? अब उस पार्टी से जो भी आए तो पड़ेगा किसको? सरकार सुरक्षित रखे, सब चीज आ गई, कोरोना भी आ गया, बिना कोरोना कोरोना निकाल, बिना कोरोना कोरोना आ गया। हाँ मैंने कहीं तो नहीं करूँगी कोरोना। अच्छा कहीं कोरोना नहीं है? नहीं। लेकिन वोट किसको पड़ जाएगा? वोट साइकिल पे पड़ेगा, कमल का फूल पे, हाथी पे, किसमें पड़ेगा वोट? अभी नहीं जानकारी, नहीं जानकारी हुई। तब अपन सोच का है साइकिल हम नहीं उठाए, हम तो आपसे पूछे आए हैं साइकिल पे दिया है, साइकिल पे दिया है। मतलब अब की बार किसकी सरकार यहाँ साथ है, महिलाएं हैं, वोट भी करती हैं, वोट की भागीदारी रहती है, लेकिन इनका मानना है कि साइकिल को वोट करेंगे। क्यों साइकिल को करेंगे? अब साहब साइकिल को वोट करेंगे? ये कमल का फूल कुछ विकास नहीं किया गया, कुछ नहीं विकास। अभी साहब जब साइकिल कमल का फूल कुछ भी आएगा तब न मालूम होगा। कमल का फूल पहले रहा तो सरकारी नौकरी वालन के ही पहले ही रहा है, सरकारी नौकरी मिलत रहा कमल के फूल के टाइम में। कमल के फूल के टाइम में नौकरी मिलता था, कमल के फूल के पहले नौकरी मिला था, मतलब इस समय नौकरी नहीं मिला। समय मिला तो बा हुआ रुपया में चार आना मिला था, मतलब रुपया में चार आना नौकरी मिल रहा है। महिलाएं जागरूक है, मुद्दा है विकास का, नौकरियों का घूमत हुआ आदमी, और कहना है कि जैसे कि इन्हें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, नौकरियां चाहिए, सरकार से उम्मीदें हैं। अब देखिए देखा जाता है कि इस बार किसकी सरकार बनती है, सरकार बनना तो वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन यहाँ हमारे साथ जितने लोग हैं हम दिखाएंगे कैमरे से। ये बरगदही में मतलब बरगदही का कोई टोला होगा या कचरावा टोला, कचरावा। तो अब की बार किसकी सरकार, मिशन 2022 योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। कुछ
कुछ योगी सरकार के फायदे बताएंगे? बहुत सारे फायदे हैं, एक आध बता दीजिए हम लोग को भी। योगी सरकार में सबसे बेहतर तो हम लोग रोड लगा जी, और बिजली भी राइट टाइम मिल रहा है, और राशन भी डबल कर दिया इन्होंने, जिनको मिल रहा है भाई लाभ ले ही रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, प्रशासन भी टाइट मतलब है, विकास के है 100% है, विकास है 100%। मतलब योगी जी सही है उत्तर प्रदेश, सही है सही उत्तर प्रदेश के लिए सही है योगी जी। तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं वो हम भी विकास किए हैं, गलत आदमी है वो, गलत आदमी है, गलत आदमी बिल्कुल 100% साबित किया जाए, गलत आदमी। अच्छा आप बताइए आप किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार को। योगी सरकार को उनसे किस मतलब किस चीज से उनसे प्रभावित है, किससे खुश हैं, किस काम से? चारों तरफ विकास हो रहा है, मेन तो गोरखपुर में हम रहते हैं तो गोरखपुर का ज्यादा विकास हो रहा है। तो ठीक है गोरखपुर का ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत से पहले क्राइम होता था, इसमें कम है क्राइम, मतलब क्राइम कम है जी। अच्छा भैया ये बताइए इस बार आप मतलब मिशन 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे जोगी सरकार हो, जोगी सरकार हो, मतलब जोगी सरकार से आप खुश हैं? एकदम खुश हैं। देखिए हमारे साथ एक व्यवसायी है, छोटी सी चाय की दुकान है जिसे कहते हैं चाय पे चर्चा, नुक्कड़ यहाँ हमेशा होती है। ये बताइए इस बार आप किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए किसकी सरकार, तो हम लोग तो भाई योगी सरकार। आप किससे खुश हैं, किस सरकार से खुश हैं? सरकार तो किसी की भी बनेगी वो ठीक है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप खुश किससे हैं, किस गवर्नमेंट से? अभी ये भी गवर्नमेंट ठीक ही है, ये भी गवर्नमेंट ठीक ही है, इसके पहले बोलिए अभी सरकार योगी सरकार। अरे नहीं ऐसा ना कहिए भैया, जो आप जिससे खुश होंगे उसी को बुलवाइए ना। खुश हैं वो, बड़े भाई हैं हमारे, कोई सुविधा नहीं। आप मोदी जी से खुश हैं? आपका काम खुश है, बाकी का है नहीं भाई, क्या काम नहीं हुआ? जब खुश रही दे दी, अच्छा क्या काम आया जान, खुश कौन बाटी जब हमारे लिए कोई सुविधा नहीं मिला। नहीं मिला आपकी चाहत क्या? कोई नहीं मिला, हमारा घर नहीं है, हमको कोई सुविधा नहीं मिला, न लाइन है, किससे हम रहेंगे? लाइट भी नहीं है कुछ, तो लाइट का कनेक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना, ये तो सरकार ठीक है, ठीक है सरकार नहीं दे तो घर बनेगा तभी ना हम लेंगे, घर तो बनना चाहिए, घर चुहा था लाइन ले ले, यही है घर हमारा, ये आपका घर है, घर चुहा था लाइन ले ले पूरा परिवार मर जाए। यही आइए, यही आइए, बात किया जाए। तो ये बताइए कि मतलब आपको आवास मिल जाए तो आप योगी जी से खुश हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, इसके पहले भी खुश थी और इस बार भी खुश हो जाएंगे, घर बन जाएगा तो काहे नहीं खुश। प्रधान जी से कभी कहीं प्रधान जी हमें आवास चाहिए? आवास हमारा जो है दियाई लहर, फिर आवास हमको मिला नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला आवास, आके नहीं मिला, नहीं मिला, क्या वजह है भाई? अब क्या वजह है प्रधान जी ने क्या वजह, हमसे नहीं खुश हुआ तो नहीं हमको दिया। तो आप इस प्रधान को वोट नहीं की थी क्या? वोट देले वाली काम बिना वोट देले प्रधान भाई ना, नहीं इस एको नहीं, जैसे होता है गांव में होता है दो प्रधान होती है, दो पार्टी होती है, हां ठीक है, तो वो कहते होंगे शायद दूसरे पार्टी की थी क्या? सही बात है, सही है, तो इसलिए आपको नहीं दिया, आपको मकान काट दिया आवाज काट।